गुड मॉर्निंग एवरी वन, आई एम जूही, टीचर ऑफ आदर्श शिक्षा निकेतन स्कूल। आई एम हेयर टू टीच यू EVS सेकेंड क्लास। EVS में आपका 8 चैप्टर है, उसकी रीडिंग करेंगे। वाटर, वाटर कितना ज़रूरी है हमारी लाइफ के लिए, सभी को पता है। एनिमल्स हो चाहे प्लांट्स हो चाहे ह्यूमन बींग्स हो, सभी को वाटर की ज़रूरत होती है। बिना पानी के तो कोई रह भी नहीं सकता, जी भी नहीं सकता। जल है तो जीवन है, आप सभी को पता है। हम पानी से बहुत सारा काम करते हैं, अपने डोमेस्टिक चॉर्स मतलब जो घरेलू कार्य है वो करते हैं, कपड़े वॉश करते हैं, नहाते हैं, ठीक है। आप सभी को पता है आपकी यूटी स्टार्ट हो रही है, तो आपको पता है MCQs क्वेश्चंस आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसे आप टिक द करेक्ट ऑप्शन भी बोलते हैं। तो जैसे कि आपके क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें कैसे क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं, जैसे कि देयर कैन बी नो डैश विदाउट वाटर, डैश करके आ जाएगा विदाउट वाटर, और इसमें ऑप्शन आ जाएंगे वाटर, रेन, लाइफ, तो तीन ऑप्शंस आएंगे आपके। तो उसमें से आपको कोई एक पे टिक करना है। तो देयर कैन बी नो लाइफ, तो लाइफ आएगा यहाँ पे, लाइफ विदाउट वाटर, कोई जीवन नहीं है बिना पानी के। नेक्स्ट है आपका डैश इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर, मेन सोर्स ऑफ वाटर कौन सा है आपका, रेन है, तो रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर। इन सिटीज़ वी गेट वाटर थ्रू, सिटीज़ में, टाउन्स और सिटीज़ में वाटर किसके थ्रू मिलता है, पाइपलाइंस के थ्रू होता है, ठीक है। और सी एंड ओशियंस हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, है ना, सी और ओशियंस में ज़्यादा अमाउंट में पानी होते हैं। ये वाले जो क्वेश्चन हैं आपके तो MCQs हैं ही। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर, रेन, इस पर रेन पे हम टिक लगाएंगे। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट इज योर वर्ड, द वाटर ऑफ ओशियन इज डैश सो इट कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली, जो आपका जो ओशियन का वाटर है वो सॉल्टी होता है, इसलिए हम उसे डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू पुल अंडरग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड वाटर को पुल करने के लिए मतलब निकालने के लिए कौन सी चीज़ हम यूज़ करते हैं, किससे हम करते हैं, वेल से, कुएं से, लेक से तो नहीं होगा, लेक झील है, पॉन्ड भी नहीं है, तालाब भी नहीं है, तो वेल से। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स, अब ट्रू फॉल्स में आप सोच रहे हो तो इसमें क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं कि नहीं, हाँ इसमें भी क्वेश्चंस आपके ट्रू फॉल्स के ही जैसे बन के आ सकते हैं, जैसे कि व्हाट इज अ वाटर इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस, ट्रू या फॉल्स, ऑप्शन ए आएगा ट्रू या ऑप्शन बी आएगा फॉल्स, तो आप कौन सा फ्लिक करोगे, वाटर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट तो है, तो ये फॉल्स। वी ड्रिंक वाटर एवरी डे, हम पानी पीते हैं डेली, राइट, ऑल टाइप्स ऑफ वाटर आर नॉट सेफ टू यूज़, जितने पानी हैं अलग अलग वो सेफ नहीं है, हम उसे उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि वो प्योर मतलब क्लीन वाटर नहीं होता है, हम उसे डायरेक्टली यूज़ भी नहीं कर सकते, और पानी भी से सेफ नहीं होता, जैसे ओशन का सॉल्टी होता है। वी शुड नॉट टर्न ऑफ द टैप व्हेन नॉट इन यूज़, जब हम टैप का यूज़ नहीं करते हैं उस टाइम में ऑफ कर देना चाहिए, अंडरस्टैंड। अब क्वेश्चन आंसर्स में आपके कैसे बन के आ सकते हैं, जैसे कि व्हाट वी नीड टू लिव, तो हमें मतलब जीने के लिए क्या चाहिए, ऑप्शन में ऐसे आ सकता है वाटर, वाटर, और जैसे कि आ जाएंगे नाइट, जैसे कि ऑप्शन ए आएगा वाटर, या ऑप्शन बी आएगा क्लोथ, या ऑप्शन सी ऐसे आएगा नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज का मतलब इनमें से कोई नहीं, पर यहाँ पे तो वाटर आएगा क्योंकि वाटर की ज़रूरत है, तो वाटर पे हम क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ वाटर, रेन इज़ द सोर्स ऑफ वाटर। नेक्स्ट आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, वो है फ्रॉम वेयर वी टेक अंडरग्राउंड वाटर, हम अंडरग्राउंड वाटर कहाँ से लेते हैं, भी आपके ऑप्शन वाले में से आ सकते हैं, ऐसे करके बन के क्वेश्चन बता मतलब क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। मे बी वी टेक अंडरग्राउंड वाटर थ्रू वेल्स, ट्यूब वेल्स एंड हैंडपम्प्स, किसके द्वारा लेते हैं, वेल्स और ट्यूब वेल्स और हैंडपम्प्स, ठीक है। नेक्स्ट है विच वाटर इज नॉट क्लीन वाटर, कौन सा पानी क्लीन वाटर नहीं होता, वाटर फ्रॉम रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एंड वेल्स आर नॉट क्लीन वाटर, ठीक है, ये सब क्लीन वाटर नहीं होते। नेक्स्ट है आपका व्हाट स्टेप्स शुड टेक फॉर क्लीन वाटर, हमें क्या क्या स्टेप लेना चाहिए क्लीन वाटर के लिए, टू नॉट वॉश क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स नियर द सोर्सेज ऑफ वाटर, जहाँ भी सोर्सेज ऑफ वाटर वहाँ पे हमें यूटेंसिल्स और अपने कपड़े जो हैं नहीं धोने चाहिए, बर्तन वगैरह भी, डू नॉट थ्रो गारबेज इन रिवर, हमें रिवर में गारबेज नहीं फेंकना चाहिए,
आई होप कि आप अच्छे से चैप्टर समझ गए होंगे, अच्छे से रिवाइज करना, अच्छे से लर्न करना, एंड ऑल द बेस्ट।